हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव साई इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक इंस्टेंट गीज़र है, तो आज इसका एलिमेंट हम चेंज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इंस्टेंट गीज़र है, तो इसको हमने खोलकर इसका जो टैंक है वो निकाल लिया था। तो अंदर से इसके कनेक्शन और ये देखिए थर्मोस्टेट वगैरह ये ऑटोकट लगे होते हैं। तो चलिए मैं उसका ढक्कन उठा के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये ग्लास वूल है, इसी में टैंक लिपटा हुआ होता है, तो यहाँ पर टैंक होता है। तो ये हमने निकाल लिया है, ये देखिए ये इसका टैंक है। तो दोस्तों, दूसरे गीज़र में तो इसका वो एलिमेंट बाहर से ही चेंज हो जाता है, लेकिन इंस्टेंट गीज़र के लिए ये पूरी असेंबली जो आप देख रहे हैं इसको खोलना पड़ता है। तो देखिए ये इसका एलिमेंट है, जो कि ये एक कैप के जरिए कसा होता है। तो ये देखिए थर्मोस्टेट है, ये ऑटो कट है, और अभी भी इसको निकालेंगे, ये ऊपर की तरफ खींच कर निकल जाते हैं। तो हमने इसके कनेक्शन खोल लिए हैं, ये देखिए हम इनको बाहर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये निकल गए हैं दोस्तों। ये देखिए ये हमने निकाल लिए हैं। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जहाँ से जो चीज़ निकालें आप वहीं पर फिट करने हैं, ताकि आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं या कुछ वीडियो भी बना सकते हैं। तो देखिए ये असेंबली है हमारी, ये 6 नट जो लगे हुए हैं, तो इनको बहुत ही सावधानी से खोलना है, ज़्यादा दम नहीं लगाना। अगर ज़्यादा हार्ड हो रखे हैं तो कुछ ऑयल वगैरह इस पर लगा सकते हैं। तो मेरे को भी थोड़ी सी परेशानी हुई एक दो नट में। तो देखिए ये निशान हमने ब्लैक वाले लगा लिए थे, ताकि हमें बाद में पता चल सके इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है। तो आप भी इसके निशान ज़रूर लगा लीजिएगा। तो हमने इसके सारे नट खोल लिए हैं, तो अब हम असेंबली को उठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए कितनी मिट्टी जमी हुई है। तो इसको आराम से, ज़्यादा डैमेज ना करते हुए, इसको बहुत ही आराम से निकालेंगे। पाइप कोई भी डैमेज होना नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अंदर का नज़ारा है, एलिमेंट की कंडीशन देखिए आप। ये देखिए बिल्कुल एलिमेंट कई जगह से ये फटा हुआ है, क्रैक हो रखा है, ब्रेक हो रखा है। ये देखिए, देखा दोस्तों, ये एलिमेंट की कंडीशन है, इसीलिए ये पानी गर्म नहीं कर रहा था। तो अब हम इसका एलिमेंट निकालेंगे और इसको अच्छे से साफ करेंगे, पूरी असेंबली साफ करेंगे, एलिमेंट दूसरा नया लगाएंगे। तो देखिए टैंक के अंदर भी देखिए कितनी मिट्टी है, इसको भी हम अच्छे से साफ करेंगे, तभी इसके अंदर फिटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एलिमेंट खोलने से पहले ये जो बीच में आपको एक ये ब्रास का स्क्रू दिखाई दे रहा है, तो इसको खोलेंगे। ये खोलने के बाद में ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है एक, ये निकलेगी तो एलिमेंट को रोक के रखती है ये वाली जो प्लेट है। तो इसको हमने ये देखो नट खोल दिया था, तो ये निकल गई है। तो इसको निकालने के बाद ही हमारा एलिमेंट बाहर निकलेगा। तो नए एलिमेंट में भी हमारे को ये बेस प्लेट मिलती है नई, तो हम नई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यही एलिमेंट को रोक के रखती है, और ये एलिमेंट हमने निकाल दिया है। तो देखिए इसकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है, ये ख़राब हो चुका है। तो देखिए हमने ये असेंबली बिल्कुल एकदम से क्लीन कर ली है, साफ़ कर ली है, एकदम चमचमाती हुई नई के जैसी बना दी, और ये टैंक भी हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है दोस्तों। तो एलिमेंट बाज़ार में आराम से मिल जाता है। तो ये इंस्टेंट गीज़र का एलिमेंट है, जो 3000 वाट का होता है, तो इसको ही हम लगाएंगे। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने एलिमेंट को फिट कर लिया है, जिस तरीके से खोला था वही बेस प्लेट लगा के अच्छे से बीच में नट स्क्रू टाइट कर दिया है। और दोस्तों, ये वाली जो ब्लैक वाली जो हमारी गैस्केट है, ये आपने ज़रूर चेंज करनी है, ताकि हमारा ये जो टैंक है लीक ना करे। अगर हम पुरानी लगाते हैं तो लीकेज की संभावना ज़्यादा होती है। और नट अच्छे से टाइट कर देना, ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना है। टाइट होने के बाद एक एक चूड़ी ही
टाइट करनी है ताकि आपके जो रबड़ पर दबाव है हल्का सा बना रहे, बस ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो लीक करना, फिर दोबारा से शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने जो थर्मोस्टेट और ऑटोकट जैसे ही निकाले थे वैसे ही हमने फिट कर दिए हैं, और कनेक्शन भी हमने जैसे के तैसे फिट कर दिए हैं। तो ये अब हम अच्छे से टाइट कर देंगे, जो जो कनेक्शन हमने जहाँ से खोले थे वहीं टाइट कर दिए हैं हमने। और ये इंडिकेटर बल्ब हैं ये जो टूटे हुए हैं, ये हम फिटिंग करते समय बाद में इसमें लगा देंगे। ये दो इंडिकेटर हैं, एक पावर इंडिकेटर है, एक ऑटोकट का इंडिकेटर है। तो ये अब हम बाद में जब फिटिंग करेंगे तो हम इसमें लगा देंगे। तो अब देखिए ये जो टैंक है जहाँ से हमने खोला था ग्लास वूल के अंदर, इसको अच्छे से पैक करके और ऊपर से पत्ती क्लैंप लगा के इसको फिट कर दिया है। तो दोस्तों एलिमेंट हमारा अच्छे से फिट हो चुका है और इसका कवर भी हमने ऊपर से लगा दिया है। तो दोस्तों अब ये इंस्टेंट गीजर एकदम रेडी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।